छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिला रायगढ़ में महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत करोड़ों अरबों रुपए के कार्य आबाद गति से जारी हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि बहुत से काम आम ग्रामीणों से नहीं बल्कि जेसीबी और ट्रैक्टर से कराए जाते हैं। आइए आपको मिलाते हैं और दिखाते हैं ऐसे ही कुछ दृश्य रायगढ़ जिला से हमारे संवाददाता कमल किशोर महान की रिपोर्ट में। आइए आपको ले चलते हैं धर्म जयगढ़ विकास खंड के ग्राम खड़गांव में। देखिए यहाँ चल रहा है जेसीबी और काम है महात्मा गांधी रोजगार योजना का अर्थात मनरेगा का। जिला मुख्यालय रायगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर दूर ग्राम खड़गांव एक छोटा सा गांव है जहां स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है और ग्राम पंचायत यहां विकास के कार्य कुछ अलग ढंग से करा रही है, जिसका जीवांत उदाहरण इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। बाजार से लेकर आदिवासी सहकारी समिति तक यह सड़क बननी है। देखिए यहाँ चल रहा है जेसीबी, जबकि यहाँ पर गाँव के ऐसे लोगों को काम में लगाया जाना चाहिए जिनके पास रोजगार नहीं है। हमारे संवाददाता ने जब पंचायत के सरपंच से बात करनी चाहिए तो पता चला कि वो घरेलू महिला है। संपूर्ण कार्य सरपंच जी के ससुर महोदय संभालते हैं। हमने उससे बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह कार्य मनरेगा का है। यहाँ विसंगतियाँ ही विसंगतियाँ दिखाई देती है। कोई देखने वाला नहीं है कि नियम कानून कायदे का पालन किया जा रहा है कि नहीं। इसका सबसे बड़ा जीवांत उदाहरण शायद यही है कि जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा है। भारत सरकार मनरेगा के तहत इस मंशा के साथ करोड़ों अरबों रुपए का बजट रखती है कि आम गरीब जिन्हें अपने गांव में रोजगार नहीं मिलता रोजगार मिल जाए, मगर जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही है जिस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है मनरेगा में? नहीं नहीं, हमारे ब्लॉक में कहीं पे मनरेगा में जेसीबी का उपयोग नहीं हुआ है और कहीं शिकायत इस टाइप का मेरे को मिला भी नहीं। भी ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है ऐसा नहीं है और जहाँ भी हुआ है हम तो मैं काम को भी निरस्त कर देते हैं। शिकायत आएगी तो क्या करेंगे आप? शिकायत आएगी मिट्टी जो चिपक रहा है इसको कहाँ से लाए हो आप? वो बस्ती से लाए हैं, बस्ती नदी किनारे से। कैसे लाए, किस में लाए? ट्रैक्टर से। कितना ट्रैक्टर आया होगा? चार पाँच ट्रैक्टर था। अच्छा, पाँच ट्रैक्टर में हो गया पूरा? हाँ, पाँच। For more information, log on to www.clips.in.